गजनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की भाववंदना में चलते हैं बुढ़िया जैन मंदिर की ओर। नाम है श्री 1008 पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर। निर्माण वर्ष है गर्भगृह 300 वर्ष प्राचीन। स्थान है गांव बुढ़िया, यमुनानगर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर, हरियाणा। मंदिर खुलने का समय है सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक। अब जानते हैं बुढ़िया जैन मंदिर के परिचय के बारे में। बुढ़िया जैन मंदिर बुढ़िया जैन समाज का इतिहास विरासत अति प्राचीन है। यह पुराने दिनों की उत्कृष्टता एवं समृद्ध समुदाय का प्रतीक है एवं परिचायक है। सन 2002 में जब श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज जी पधारे, तब उन्होंने इस मंदिर को अस्त क्षेत्र के नाम से अभिहित किया। सन 2004 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर का सर्वेक्षण करके बताया कि यह मंदिर 250 से 300 वर्ष पुराना है। मंदिर की मूल बेदी भगवान सुपाशनाथ की है। मूर्ति के ऊपर छत्र के रूप में एक 9 मुख वाले सर्प अपने फणों को फैलाए हुए अवस्थित है। इस तरह की अद्वितीय प्रतिमा विरल ही है। यह मूर्ति 600 वर्षों से भी प्राचीन है। मूल बेदी की बाईं ओर भगवान चंद्र प्रभु की बेदी है और दाईं ओर 24 बेदी है। विक्रम संवत के अनुसार दोनों वेदियों पर अंततः 600 वर्ष पुराने अनेक मूर्तियां विराजमान हैं। अगर हम वीर संवत के अनुसार तिथियों को 1548 के रूप में अंकित करते हैं, जो जैन वर्ष पंजी से संबंधित प्रतिमा लगभग 1000 वर्ष पुरानी होगी। कुछ अष्टधातु की प्रतिमाएं प्रयोगात्मक रूप से लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि एक अंधेरी रात में सन 2013 में उन मूर्तियों की चोरी हो गई। पुलिस की टीम को गहरी छानबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। गर्भगृह के साथ एक विशाल सभा कक्ष भी है। सन 2007-08 में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से इसका नवीकरण किया गया। सभागृह की बाईं ओर पद्मावती माता जी की बेदी है। पद्मावती माता की मूर्ति भी उसी काल की है। यह मूर्ति स्थानीय एवं बाहरी लोगों के लिए श्रद्धेय एवं चमत्कारी है। प्रत्येक शुक्रवार को चोला श्रृंगार तथा आभूषणों से सजाने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं बुढ़िया का इतिहास। जिला यमुनानगर के पूर्वी भाग एवं यमुना नहर के किनारे बसा हुआ बुढ़िया अति प्राचीन समृद्ध कस्बा है। यमुनानगर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक कस्बा अपने भीतर पुरानी सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन धरोहर को अपने में सुरक्षित रखकर निश्चल है। इस कस्बे में अनेक प्राचीन किला, बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर अपने समृद्धशाली अतीत को उजागर करता है। यहाँ राजा हर्षवर्धन का शासन था। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में सुध या सुरगना प्राचीन शहर था। मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म विकास चरम सीमा पर था एवं यह स्थान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। सन 2008 में भारतीय पुरातत्व के उत्खनन से बुढ़िया से 1 किलोमीटर पश्चिमोत्तर चनेरी गांव में एक बौद्ध स्तूप का पता चला था, जिसे 2000 से 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। उसी समृद्ध के दिनों में चीनी बौद्ध विद्वान हेन वेसांग शैक्षणिक भ्रमण के लिए आया था। यह कस्बा मुगल महान सम्राट अकबर के मुख्य परामर्शदाता बीरबल का जन्मस्थान है। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर, जहां सम्राट अकबर शिकार के लिए अक्सर आया करता था, अकबर यात्रा के दौरान आराम करने के लिए विश्राम गृह था, अब जिसका ध्वंस विशेष है। अब जानते हैं बुढ़िया जैन समाज के बारे में। बुढ़िया का और बुढ़िया जैन समाज का इतिहास विरासत अति प्राचीन है। यह पुराने दिनों समृद्ध सामुदायिक का ऐतिहासिक एवं गौरवमय अतीत का बखान करता है। वर्तमान बुढ़िया जैन समाज 12 से 15 परिवारों में सिमट कर रह गया है, किंतु यह छोटी संख्या होने पर भी किसी भी विधान, पूजा, दशलक्षण पर्व, साधु भक्ति एवं अतिथि संतों के सत्कार के लिए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर सदा खड़े रहते हैं। मुनि महाराज जैसे श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज, श्री 108 नयन सागर जी महाराज, श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी समय समय पर पधार कर सभी को प्रेरित किया एवं धार्मिक भावना, समर्पण भावना, सेवा भावना को जागृत किया और उत्साहवर्धन किया और लोगों की प्रशंसा की। एक बार सन 2004 में श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज जी बुढ़िया में पधारे, तब उन्होंने कुछ पढ़े हुए शास्त्रों को जाना और बताया कि ये 2000 से 2500 वर्ष पुराने हैं।
समाज के लोगों को इन शास्त्रों को सम्यक ज्ञान ना होने से उन शास्त्रों की अच्छी देखभाल के लिए उचित संरक्षण के लिए गुप्ती धाम दिगंबर जैन मंदिर भेज दिया। अब यहाँ के भक्त कर्तव्यनिष्ठ लोगों ने अपने प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का सर्वदा सफल प्रयास करते हैं। कभी पुनर्निर्माण, कभी नवीनीकरण तथा विस्तृत कर योजनाबद्ध पद्धति से रख रखाव करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।